पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 13 हमें बताता है फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। जब राइट और कस्टम की बात होगी, यानी कि जब राइट और कस्टम फैक्ट एन इश्यू बनेगा, तो कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे वो बताता है हमें सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब आप लोग अपनी बेरैक खोलियो और उसमें सबसे पहले हम लोग बेरैक की लैंग्वेज में ही समझेंगे कि सेक्शन 13 क्या कहता है। सो सेक्शन 13 सेज वेयर द क्वेश्चन इज एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। जब क्वेश्चन ये है किसी राइट या फिर कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करी जा रही है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। सो द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। सबसे पहला, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से उस कस्टम या राइट को क्रिएट किया गया है, क्लेम किया गया है, मॉडिफाई यानी कि कुछ चेंजेस किए गए हैं, रिकग्नाइज्ड उसको पहचान दी गई, Asserted और denied यानी कि accept किया गया या deny किया गया है, या फिर inconsistent to existence है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले fact जो relevant होगा वो क्या होगा under section 13, transaction। दूसरा क्या होगा, instance। दूसरा होगा instance। अब हम लोग दूसरा point पढ़ते हैं, particular instances in which the right or custom was claimed। फिर वही बात है, क्लेम किया गया है, रिकग्नाइज किया गया है और एक्सरसाइज्ड या फिर एक्सरसाइज किया गया है, और एक्सरसाइज्ड वाज डिस्प्यूटेड, एसर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, या उसके यूज को क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें रेलेवेंट होंगी। अब एक केस हम लोग देखते हैं, सुब्रमण्यम चेतियार वर्सेस कमलप्पा चेतियार 1955 का केस है ये। इस केस में कस्टम के बारे में बताया गया है। सो नॉट नेसेसरली पब्लिक एट लार्ज, इसमें क्या मतलब है कि कस्टम जरूरी नहीं है कि पूरी पब्लिक के लिए के ऊपर अप्लाई होता हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कस्टम जो है वो पूरे पब्लिक के ऊपर अप्लाई होती हो, बट फॉर अ फैमिली, वो किसी फैमिली के लिए, भाई किसी फैमिली का कुछ कस्टम हो सकता है, किसी फैमिली का कुछ कस्टम हो सकता है। तो एक कस्टम जो होता है वो किसी फैमिली पर भी अप्लाई हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एक एरिया में हो या फिर किसी एक कम्युनिटी में हो, ठीक है, उसको भी हम लोग कस्टम ही कहेंगे। ये बताया था इस केस में। अब कस्टम के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो वो इमेमोरियल होना चाहिए, यानी कि वो कब से शुरू हुआ है ये किसी को पता नहीं है, ना ही किसी को याद है। सो कस्टम सबसे पहले इमेमोरियल होगा, यानी कि ये चार चीजें फुलफिल होनी चाहिए तभी कोई चीज कस्टम बन सकती है। सो इमेमोरियल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, या फिर कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के उसको वो सदियों से वैसा ही चला आ रहा है, तो वो कस्टम होगा। और सर्टेन इन नेचर, सर्टेन इन नेचर का मतलब ये है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो इस केस में यही बताया था कि कस्टम एक जो कोई भी चीज कस्टम कैसे बनती है, उसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट के बारे में बात करी गई है, तो इस सेक्शन में अंडर सेक्शन 13 सारे ही राइट्स को इंक्लूड किया गया है, फिर चाहे वो पब्लिक राइट हो, प्राइवेट राइट हो, कॉर्पोरियल राइट हो या फिर इनकॉर्पोरियल राइट हो, ठीक है। समझ में आया कि सेक्शन 13 क्या बताता है। देखो, जब किसी कस्टम या फिर राइट का एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में होगा, जब किसी कस्टम या फिर राइट का एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में होगा, तो दो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा इंस्टेंस। ट्रांजैक्शन क्या होता है, एनीथिंग डन बाय एनी पर्सन, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक्ट हुआ है किसी पर्सन के द्वारा विच एफेक्ट्स द राइट ऑफ अनदर, जो कि किसी ने, मान लो मैंने कोई एक्ट किया है और मेरा किया, जो मैंने एक्ट किया है वो एक्ट किसी के राइट को इफेक्ट कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 13, और फिर इंस्टेंस रेलेवेंट होगा। इंस्टेंस का मतलब एग्जांपल, जैसे इस केस में मान लो, जैसे कोई अभी तो मान लो कोई केस चल रहा है, उससे पहले
किसी केस में कोई जजमेंट आया था कि भाई इस केस में ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो इंस्टेंस होगा, उसका यूज अगर वो एप्लीकेबल हो रहा है किसी तरीके से ये वाले केस में जो केस चल रहा है, उसे हम लोग इंस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 13 समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि सेक्शन 13 हमें क्या बताता है। जब भी किसी राइट या जो कस्टम है उसका एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में होगा, तो उसमें दो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। सबसे पहला फैक्ट होगा ट्रांजैक्शन और फिर दूसरा फैक्ट होगा हमारा इंस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 13 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।